बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस की बात की थी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस, और इसके अलावा हमने आपको पी वैल्यू का कंसेप्ट दिया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट मीन्स ऑफ पॉपुलेशन व्हेन सैंपल साइजेस आर स्मॉल। सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लार्ज सैंपल साइजेस, ठीक है। इससे पहले हमने जितनी बात की है वो सारी लार्ज सैंपल साइज की बात की है। तो आज के लेक्चर में हम स्मॉल सैंपल यानी एन इज लेस देन 30। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार approaches normal distribution if we know the sigma mu and sigma, ठीक है। तो हमें पता है कि sampling distribution of x bar जो है, we know that कि z is equal to x bar minus mu over sigma over under root n follows normal distribution, but in actual practice this sigma is not known, population variance or population standard deviation is unknown. So when the population standard deviation is unknown and sample size is are small, then we can't use the normal approximation or normal distribution, ठीक है। जब sample sizes are less than 30 हो और population standard deviation unknown हो, तो वहाँ पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं यूज़ कर सकते, यानी जी का जो टेस्ट है जी टेस्ट नहीं लगेगा। इट मींस वी नीड सम अनदर टेस्ट, और ये टेस्ट क्या था, दैट इज़ कॉल्ड टी स्टेटिस्टिक, ठीक है। इसको हम स्टूडेंट्स टी भी बोलते हैं, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि दोनों में फ़र्क कहाँ पर आता है, जब सैंपल साइजेस स्मॉल हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविशन अननोन हो, तो वी यूज़ टी टेस्ट। इस चीज़ को जहन नशीन कर लीजिए, सूटे जब क्वेश्चंस आएंगे तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते होंगे, उसमें 19 पीस का फर्क होगा जिस क्वेश्चन इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। तो आज हम जो टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट नॉर्मल पॉपुलेशन मीन व्हेन सैंपल साइजेस आर स्मॉल, ठीक है। स्मॉल सैंपल साइजेस की बात करेंगे, और देर आर सर्टन अजम्पशंस फॉर यूजिंग द टी टेस्ट। टी टेस्ट के लिए अजम्पशंस हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली अजम्पशन क्या है, अजम्पशन फॉर यूजिंग द टी टेस्ट आर, मैं लिख देता हूँ। द नंबर वन इज दैट द सैंपल शुड बी रेंडमली एंड इंडिपेंडेंटली ड्रॉन। जी तो पहली क्या है जी, द सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस जैसे कि एक्स वन एक्स टू up till xn is selected randomly, ठीक है। और दूसरी assumption इसमें आती है जो, the population from which the sample is drawn is normally distributed, population from which sample is drawn is normally distributed,
और तीसरी है इन केस ऑफ टू पॉपुलेशंस, अगर हमारे पास दो पॉपुलेशंस हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स होगा, तो इसको वहाँ पे यूज करेंगे। इन केस ऑफ टू सैंपल्स, इन केस ऑफ टू सैंपल्स both the samples are selected randomly both the populations are normal and both the population have equal variance ठीक है जी। तो दीज आर द थ्री अजम्पशंस विच वी यूज बेसिकली, देर आर टू मेन अजम्पशंस बट इन केस ऑफ टू सैंपल्स वी यूज दिस अजम्पशन ठीक है। तो उस दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। इन केस ऑफ टू सैंपल्स बोथ द सैंपल्स आर रेंडमली सिलेक्टेड, बोथ द पॉपुलेशन आर नॉर्मल, और एक तीसरी इसमें ऐड होती है दैट इक्वेशन दैट द वेरियंसेज आर इक्वल, वेरियंसेज ऑफ बोथ द पॉपुलेशन आर equal. तो these are the assumptions which we use for using the t distribution. ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। तो अब हम टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो टेस्ट है जी स्मॉल सैंपल टेस्ट ऑफ मीन्स, ये मेन हेडिंग हमारा, इसके अंदर कई टेस्ट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट आ रहा है इसमें स्मॉल सैंपल में, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन। हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन when sigma is unknown and n is less than 30 ठीक है। तो ये है जी वो पहला टेस्ट, जब सैंपल साइजेस लेस देन 30 हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, वो यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आप लिख लें लेट एक्स वन एक्स टू अप टिल एक्स एन बी आर रैंडम सैंपल ऑफ साइज n from a normal population with mean mu and unknown variance or standard deviation unknown sigma population standard deviation unknown then
sigma is estimated by a sample statistic, sample standard deviation એટલે small s. ये small s is an unbiased, ठीक है, standard deviation. And we use तो अब स्टेटिस्टिक हम क्या यूज करते हैं, टी टेस्ट. Which under H naught follows T distribution with nu is equal to n minus 1 degrees of freedom. अजीज तलबा, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट मैं आपको दूँ रहा, बिकॉज वी आर यूजिंग अ सिंगल इंफॉर्मेशन फ्राम अ सैंपल, ठीक है. हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीशन अननोन था, वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू. हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीशन चाहिए था, तो हमने सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीशन यूज़ किया. तो हमने एक इंफॉर्मेशन सैंपल से ली. जब हमने एक इंफॉर्मेशन सैंपल डाटा से ली, अब हमारी एक फ्रीडम कम हो गई. नो वी हैव एन माइनस वन फ्रीडम्स. हमारे पास टोटल एन फ्रीडम्स थी, सैंपल साइज एन था, इस मीन वी हैव एन फ्रीडम. तो जब हमने एक इंफॉर्मेशन सैंपल से यूज़ की, तो हमारे पास अब फ्रीडम एक कम हो गई. अब हमारे पास एन माइनस वन फ्रीडम्स हैं, ठीक है. इसको मैं मज़ीद आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट क्या है. तो विच फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अब नेक्स्ट मैं प्रोसीजर लिखता हूं. प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एच नॉट, जिसमें हम वही टेस्टिंग था रहे, मीन की टेस्टिंग हो रही है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इज गिवन बिलो. जी, तो सबसे पहला स्टेप है वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस. H naught mu is equal to mu naught H1 null hypothesis, alternate hypothesis kya hai ji, R H1 can be mu is less than mu naught R mu is greater than mu naught. इसमें टू टेर टेस्ट होगा और इन दोनों केसेस में वन टेर. ठीक है, या इन तीनों में से कोई एक चीज है अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं. एच वन ये भी हो सकता है म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, एच वन ये भी हो सकता है म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, और एच वन ये भी हो सकता है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट. तो उसके बाद स्टेप नंबर टू, चूज आर गिवन अल्फा, क्या जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस,
ये कोई भी एक्सपेरिमेंटर जो होता है बिफोर ड्राइंग द सैंपल ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करता है। ठीक है, और नॉर्मली वी टेक अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तीसरे स्टेप में क्या है जी, द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड इज जी बिल्कुल टी हम यूज करेंगे बिकॉज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। अगर नोन हो तो ऑलवेज यूज जी टेस्ट, अगर अननोन हो तो फिर हम सैंपल साइज देखते हैं। अगर सैंपल साइज लेस देन 30 हो तो फिर हम टी यूज करते हैं, अगर सैंपल साइज ग्रेटर एंड इक्वल टू 30 हो वी कैन यूज जी टेस्ट। हमने यूज किया भी है लास्ट एग्जाम्पल में। Which under H naught follows student's t distribution. With nu is equal to n minus 1 degrees of freedom. So यहाँ पे मैं बताता चलूँ, where s is equal to समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे आई इज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। हजी सोलबा जो इससे पहले आपने वेरियंस पढ़ा हुआ है दैट इज इन दैट पर्टिकुलर वेरियंस द डिवाइजर इज एन, और यहाँ पर इसका डिवाइजर क्या होता है एन माइनस वन। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। और एक शॉर्ट फार्मूला है वो भी साथ लिख लें कि एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्केयर माइनस समेशन एक्स आई होल का स्केयर डिवाइडेड बाई एन। ये शॉर्ट फार्मूला है, इफ यू वांट यू कैन यूज इट। ठीक है, आई इज फ्रॉम 1 to n एन, या हम नॉर्मली नहीं लिखते, हम अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर आई की वेरिएशन आ रही है और आई फ्रॉम 1 to n यानी h1 h2 h3 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ आप चाहें तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आप तो सिर्फ एच्स आई दिए हुए होंगे। ठीक है, यानी आपको वैल्यूज़ दी हुई होंगी, आपने उसका पहले मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद हर एच्स आई को उसके मीन से माइनस करना है, स्क्वायर लेना है और उसके बाद सम कर लेना है। ठीक है, या दूसरा तरीका है कि आप दो कॉलम्स बना लें, आपके पास एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा दैट इज एच साइज स्क्वायर का कॉलम, और तमाम एच साइज तो हर एक मसलन 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। तो क्या होगा, सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको मैं एग्जांपल तौर पर लेता हूँ, एच्स आई में दिया हुआ 2 3 4 5, ये हमारे पास 4 का सैंपल है। ठीक है, और यानी एन इज इक्वल टू 4 है, तो हमें एक कॉलम चाहिए एच्स आई स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 9 16 25, इसको ऐड कर लें तो ये आ जाए 54, और इसको ऐड करें 9 plus 3 9 12 14। तो इससे मुराद यह है समेशन एक्स आई स्क्वायर दैट इज 54, और समेशन एक्स आई क्या है जी 14 है। ठीक है, अब नो यू कैन यूज हियर ये 54 को हम यहाँ पुट करेंगे और समेशन एक्स का स्क्वायर यानी यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 14 का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 4 वैल्यूज है तो 4 आ जाएंगी। तो ये हम वैल्यूज इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो जब इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर एक्स साइज सिर्फ दिया हुआ होगा, ये सैंपल साइज दिया होगा, सैंपल दिया होगा, सैंपल ऑफ साइज एन। ठीक है, बाकी काम हमने खुद करना होगा, तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक साथ कर दिया।
तो स्टेप नंबर फोर में क्या होता है, कंप्यूटेशन, इसमें हम एस टी वैल्यू फाइंड करेंगे, स्मॉल एस टी वैल्यू, और इसके अलावा इसको हम टी के अंदर पुट करेंगे और फार्मूले को हल करेंगे, जो स्टेटिस्टिक है इसको हल करेंगे। लें जी, अब आ गया नेक्स्ट स्टेप, क्रिटिकल का रीजन। अब चूंकि आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो तो क्रिटिकल का रीजन भी टी वाला होगा, तो टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा बाई टू और टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा बाई टू और सात स्टेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख ले, न्यू या एन माइनस वन, सात स्टेट लाजमी लिखें बिकॉज इट इज़ ए पैरामीटर। जैसे बाइनोमियल के दो पैरामीटर होते हैं ना, एन और पी, इसी तरह इस टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ही पैरामीटर है, दैट इज न्यू। न्यू एक होता है म्यू, यह न्यू, ठीक है, न्यू मीन्स एन माइनस वन, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो जब हम टेबल में भी देखेंगे तो न्यू की वैल्यू देखेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो देखेंगे और साथ अल्फा बाई टू क्या होगा, तो ये बेसिकली टेबल वैल्यू है। राइट हैंड साइड में जो टी अल्फा बाई टू न्यू जो दिया हुआ है, ये टेबल वैल्यू है, इसको हम टेबल से देखेंगे। ये रिजेक्ट एच नॉट इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट है, ठीक है जी, अदर ये कंडीशन फुलफिल करे, और रिजेक्ट एच नॉट जी अदर वन टेल टेस्ट है, तो टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा, जहां पे अल्फा बाई टू था वहां अल्फा हो गया और साथ न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई। और इसी तरह रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा विद न्यू। अब इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, ये लेस है तो लेस ही होगा, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, ये जो हमने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था स्टार्ट में, न्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ये इस फॉर्म में होगा। जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगा तो उसके लिए क्रिटिकल रीजन ये बनेगा, अगर ये लेस है तो लेस वाला बनेगा, लेस बनेगा तो साथ माइनस का निशान आप लगाएंगे और ये टेबल वैल्यूज आएंगी। अब टेबल वैल्यूज में आप टी के टेबल देखें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसमें जाके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे लेफ्ट कॉलम के ऊपर, और इसके जो रो होगी ऊपर टॉप के ऊपर रो होगी, वहाँ पर अल्फा बाई टू की वैल्यू आप टेस्ट करोगे। सपोज अल्फा अगर 5% है तो अल्फा बाई टू क्या हुआ 0.025, तो 0.025 को टॉप रो में देखेंगे और कॉलम के अंदर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे। सपोज हमारे पास 10 वैल्यूज थी तो 10 वैल्यूज में न्यू क्या होगा एन माइनस वन, दैट इज 9, तो 9 को हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में और टॉप जो रो होगी उसमें हम देखेंगे वैल्यूज किसकी, अल्फा की। अल्फा बाई टू अगर है तो अल्फा बाई टू थी देखेंगे, अल्फा है तो अल्फा थी देखेंगे। सपोज अगर वन टेल टेस्ट होता तो अल्फा 0.05 है, तो आप पहली रो में जो है उसमें 0.05 को तलाश करेंगे और कॉलम में जो लेफ्ट कॉलम हो रहा उसमें हम 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे, तो देखेंगे टेबल वैल्यू क्या है, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन, इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी लाइज इन द एक्सेप्टर रीजन एक्सेप्ट एच नॉट अदरवाइज रिजेक्ट इट, ठीक है। If the computed value of t lies in the acceptance region, एच नॉट इज एक्सेप्टेड एंड अदरवाइज रिजेक्टेड, ठीक है जी। तो ये टेस्ट यहां पे इसका कंप्लीट हुआ, जो उसकी थ्योरी थी वो हमने पढ़ ली, टी की अजम्पशंस पढ़ी। टी क्यों यूज करते हैं, उस वक्त यूज करते हैं जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविशन अननोन हो और सैंपल साइज लेस देन 30 हो, ये दो बातें हैं जो आपने देखनी है।
ठीक है, और उसके बाद इसकी अजम्पशंस में क्या है, द सैंपल शुड बी रैंडमली ड्रॉन एंड द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लाजमी होना चाहिए। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हम टी यूज़ नहीं कर सकते, वी विल गो टू द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। वो हमारे पास और टेस्ट हैं, उसी तरफ भी हम आखिर पे आएंगे, तो हम नॉन पैरामीटर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखिए। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर वन ये है, ए सैंपल ऑफ ट्वेल्व जार्स ऑफ पीनट बटर वॉज टेकन फ्रॉम ए लॉट ईच जार बीन लेबल्ड एट ounces नेट वेट, ठीक है। द इंडिविजुअल वेट इन ounces आर 8.2, 8.0, 7.6, 7.6, 7.7, 7.5, 7.3, 7.4, फिर 7.5, फिर 8 एंड फिर 7.4 एंड 7.5, दीज आर 12 वैल्यूज। तो ये इंडिविजुअल उसके औंसेस हैं, वो आ गए। टेस्ट वेदर वेदर दीज वैल्यूज आर consistent with the mean population mean population mean of 8। Assume that the weights are normally distributed. तो सबसे पहले आप देखें आपको क्या चीज़ गिवन है, एन जो दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि टेस्ट द वेदर दीज वैल्यूज आर कंसिस्टेंट विद द पॉपुलेशन मीन ऑफ 8। इट मींस हमारा हाइपोथेसिस क्या है, म्यू इज इक्वल टू 8,
और एच वन क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू एट, तो ये हमारा पहला स्टेप था। स्टेप नंबर टू, अल्फा जो है 0.05 वी चूज, ठीक है जी। स्टेप नंबर थ्री, बिकॉज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, देयरफॉर एंड सैंपल साइजेस आर लेस देन 30, देयरफॉर वी यूज टी टेस्ट। द टेस्ट स्टेटिस्टिक to be used is तो टी टेस्ट हमने यूज किया, दैट इज एक्स बार माइनस म्यू स्मॉल एस ओवर अंडर रूट एन, विच अंडर एच नॉट फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू इज इक्वल टू एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डी एफ हम इसको लिखते हैं शॉर्ट में। स्टेप नंबर फोर, कंप्यूटेशन, जी हमें एच साइज दिया हुआ है, दैट इज लिख ले व्हाट इज एच साइज 8.2, उसके बाद नेट्स के 8.0, 7.6, 7.6, 7.7, फिर 7.5, 7.4 के बाद आ रहा है 7.5, 8.0, फिर 7.4 एंड 7.5, तो एच साइज स्क्वायर बना ले, ठीक है। तो ये 8.2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, इसी तरह ये आ जाएगा 64, इसी तरह इसको 7.6 को हल करें तो मैं डायरेक्ट एच साइज स्क्वायर, तो बेसिकली एस स्क्वायर का फार्मूला क्या है, दिस इज समेशन एच साई माइनस एच बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। तो हमने लिखा था कि समेशन एच आई माइनस एच बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एच आई स्क्वायर माइनस समेशन एच आई होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो अब मुझे समेशन एच आई भी चाहिए और समेशन एच आई होल स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ। तो आप कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर हो उसमें मोड में जाएं और मोड के बाद एसडी मोड में चले जाएं, साथ एसडी को प्रेस डाल लें, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यूज एंटर करें 8.2 और साथ मेमोरी प्लस से यहाँ पे इसको ऐड कर लें, फिर आप नेक्स्ट वैल्यू देते 8 मेमोरी, फिर 7.6 मेमोरी, 7.6 मेमोरी, 7.7 मेमोरी, 7.5 मेमोरी, 7.3 मेमोरी, इसके नीचे डी टी लिखा होगा डेटा, ठीक है। 7.4 मेमोरी, उसके बाद 7.5 मेमोरी, 8 मेमोरी, 7.4 मेमोरी, फिर 7.5 मेमोरी। अब आप शिफ्ट में जाएं और देखें ये अल्फा के साथ आ रहे हैं सारे, तो अल्फा
हम देखना चाहते हैं हमने कितनी वैल्यूज एंटर की, तो वी कैन टेस्ट दिस। मेरे पास एक कैलकुलेटर थोड़ा सा इतना एडवांस नहीं है, आजकल तो बहुत एडवांस कैलकुलेटर आ रहे हैं। तो अल्फा तो शिफ्ट वन प्रेस किया तो एक्स बार की वैल्यू आई, क्योंकि एक्स बार की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वेयर एक्स बार इज समेशन एक्स आई ओवर एन, तो दिस इज 7.64 एक्स बार है। और जी, और ये जो वैल्यू है डायरेक्ट मैंने लिखी, समाल एस की वैल्यू 0.28। ठीक है, अगर चाहें तो आप इसमें से तमाम वैल्यूज और भी देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट उसमें से कर दी। नाउ यू कैन यूज़ दिस कैलकुलेटर फॉर सॉल्विंग एक्स बार एंड एस। आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। मोड प्रेस करें, उसके बाद एस डी लिखा होगा, उस टू पे ऊपर टू प्रेस करें तो एस डी में जाके, मोड एस डी में जाकर पहली वैल्यू एंटर करें, और मेमोरी एम टी जहाँ पे लिखा होता है उसके ऊपर एम प्लस दिया होगा, एम प्लस उसको प्रेस कर दें। इसके बाद दूसरी वैल्यू लिखें और प्रेस करते जहाँ तक 12 वैल्यूज एंटर हो जाएंगी। उसके बाद यह सेकेंड हाफ के ऊपर जाकर यहाँ पर दिया होगा एक्स बार और समेशन एक्स माइनस एन माइनस वन, ठीक है, वो तमाम वैल्यूज ऊपर दी होंगी उसके सेकेंड हाफ को साथ यूज़ करें उसको। अब हमें इसको पुट करता हूँ, नेक्स्ट आप देखें तो टी के अंदर तो एक्स बार क्या है 7.64 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.28 एंड, ठीक है जी, अंडर रूट 12 वैल्यूज थी। देखिए इसमें क्या आता है, 7.64 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 0.36। और इसको देखिए क्या आ रहा है नेक्स्ट, ये सॉल्व होने के बाद 0.081 आ रहा है, तो माइनस 4.45, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आई टी की। नाउ स्टेप नंबर 5, चूंकि टू टेल टेस्ट है तो इसको मैं पहले प्लॉट करता हूँ। अब ये जहन में रखे टी और नॉर्मल में फर्क सिर्फ होता है कि टी की जो कोहान है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, नॉर्मल में थोड़ी फ्लैटनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर टी की वैल्यू 0 होती है, टू टेल है तो टू दोनों टेल्स के ऊपर एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है जी। तो ये जो वैल्यू है टी अल्फा बाई टू विद नेगेटिव साइन और साथ 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे हो जी, और ये वाली वैल्यू टी अल्फा बाई टू 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है जी। अब इनको हमने टेबल में देखना है, तो इसका मतलब ये हुआ था रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा बाई टू विद एन माइनस वन। तो एन क्या था 12, 12 माइनस वन 11 है, और यहाँ पर आर टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा बाई टू
11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये लिख सकता हूँ टी इज लेस देन माइनस टी 0.025 और 11, और टी इज ग्रेटर देन टी 0.025 और 11। अब हम इसको टेबल में जाकर देखते हैं वैल्यू क्या है। तो टी के टेबल आपको किसी भी बुक में एंड पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें देखता हूँ मैं जी 0.025 के अगेंस्ट 0.025 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 11 है तो 2.201, तो माइनस 2.201 और टी इज ग्रेटर देन 2.201। इससे मुराद यह है कि ये वैल्यू जो आई है ये वैल्यू पॉइंट माइनस 2.201 और राइट साइड पे 2.201 है। इससे मुराद यह है कि जो वैल्यूज़ इस रेंज से बाहर चली जाएंगी तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अब वैल्यू हमारी आ रही है कंप्यूटेड जो माइनस 4 पॉइंट, तो माइनस 4 पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा इस पॉइंट के ऊपर, तो इस वजह से हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। कंक्लूजन क्या है, सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 4.45 फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन या थ्रेटिकल रीजन, देयरफॉर वी रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया और क्या चीज पूछी थी उसने, दैट द वैल्यूज आर not consistent with the hypothesis. ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ फॉर सिंगल पॉपुलेशन। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन ये है, टेन कॉटन्स are taken at random from an automatic filling machine. ठीक है जी, द मीन नेट वेट ऑफ द टेन कॉटन्स
is 15.90 ounces OZ. And the sum of squared deviations is 0.276. Does the sample mean differ significantly from the intended weight of 16 ounces. तो इससे मुराद है कि हमने हाइपोथेसिस क्या टेस्ट करना है कि मीन वेट जो है वो 16 औंसेस है या नहीं, और एच वन क्या हो जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 16. तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप. स्टेप टू में क्या है, चूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05. स्टेप नंबर थ्री द स्टेटिस्टिक कौन सी है, एस बार माइनस म्यू एस ओवर अंडर रूट एन विच फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो शॉर्ट भी लिखा जा सकता है यूं. स्टेप नंबर फोर में क्या जी कंप्यूटेशन है, तो सबसे पहले जरा एस निकालें. तो एस केयर का क्या फार्मूला है, समेशन एस आई माइनस एस बार का स्केयर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन. तो यहाँ पे ये दिया हुआ है सम ऑफ द स्केयर डिवीजन से ये बराबर है 0.276 जो है ये उसने दे दिया खुद. और एन क्या है, 10 वैल्यूज थी, तो 10 माइनस वन 9. तो दैट इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस, सॉरी वेरियंस ऑफ सैंपल 0.276 डिवाइडेड बाय 9 और ये आ रहा है 0.031. स्टैंडर्ड रूट ले लेते हैं तो एस की वैल्यू आ जाती है 0.175. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. अब इसको पुट कर दें तो एक्स बार क्या है, एक्स बार उसने दिया हुआ है दैट इज 15.90 माइनस म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 16 डिवाइडेड बाय 0.175 और अंडर रूट 10. तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आता है जी, वन पॉइंट एट वन जी. तो टी की वैल्यू माइनस 1.81 आ गई. अब आ गया स्टेप नंबर फाइव,
t is less than minus t alpha by 2, तो 0.025 विद न्यू माइनस 1, तो 9r8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। r t इज ग्रेटर देन t अल्फा बाय 2, तो 0.025 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम टेबल में से देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, 0.025 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखते हैं क्या है। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर दिस इज 2.262, आर टी इज ग्रेटर देन 2.262। तो ये वो क्रिटिकल वैल्यूज हैं। अगर कोई वैल्यू इससे छोटी होगी या इस वैल्यू से बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, तो रिजेक्ट। तो ये स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन। तो सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 1.81 लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, देयरफॉर we accept h naught and conclude that the sample mean does not differ significantly from the intended weight of (16OZ)। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने इसको सॉल्व किया और हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, इसमें एक्सेप्ट हो गया। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन एंड सैंपल साइजेस आर लेस देन 30 वो पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स व्हेन सैंपल साइजेस आर स्मॉल एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर अननोन, तो बड़े इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। छोटे ज़्यादातर जो मेडिकल वाले साइड पे लोड हैं बायोसाइंसेस में और उसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स में जो लोड पड़ते हैं मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आज के लेक्चर अब ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।